लाइब्रेरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं है जी। लाइब्रेरी तो है लेकिन दो साल से जब से मैं इस कॉलेज में आया तब से तो उसे मैं खुला नहीं देखा मैंने। कितना खर्चा हो जाता है किताब खरीदने में? जी लगभग मोर देन 2000 तो खर्च हो ही जाता है। आप कभी गए हैं लाइब्रेरी पता करने के लिए? पता करने गए हैं बट कुछ इन्फॉर्मेशन भी सही से नहीं मिलता है वहाँ। अगर लाइब्रेरी खुली रहती तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता? हाँ सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता कि हमें जो बुक्स के ऊपर उतना ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ता है वो काफ़ी हमारा बचत होता है, जिसके कारण हम उसको स्टडी में या फिर ट्यूशंस के लिए यूज़ कर सकते थे। बट बुक्स में जो सारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है जिसके कारण हम लोग ट्यूशन बोरो नहीं कर पाते हैं। कई ऐसे मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के छात्र हैं जो अपनी किताब नहीं खरीद पाते हैं और लाइब्रेरी बंद होने की वजह से उनके पास एक भी किताब उपलब्ध नहीं होती है, जिसके वजह से उनके अंकों पे काफ़ी असर पड़ता है। अमन क्या अब तक तुम सेकेंड ईयर की किताब खरीद पाए हो? जी फिलहाल तो मैं नहीं खरीद पाया उनसे। क्यों? क्योंकि फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। फर्स्ट ईयर में खरीदे थे? जी नहीं, मैंने फर्स्ट ईयर में बुक्स नहीं ली थी। तो कैसे पढ़ाई कर पाते थे? ये नोट्स बना के मैंने पढ़ाई की। उससे तुम्हारे मार्क्स पे क्या असर पड़ा था फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के रिजल्ट पे? यही असर पड़ा कि जो मेरा मार्क्स आना चाहिए था वो मैं मुझे उतना नहीं मार्क्स नहीं आ पाया। तो बुक्स बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं खुद पटना विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ। वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट वेलफेयर के डीन 0612-267-1826 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं और बदलाव लाने में हमारी मदद करें। मैं आमिर, पटना बिहार राज्य से, इंडिया अनहर्ड के लिए।